हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। स्टडी फॉर ब्राइटनेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स के लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स। ये हमारा इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले मैंने होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर के बारे में जो है आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना है तो पहले प्लीज़ आप वहाँ उस लेक्चर को सुने, उसके बाद इसको देखें, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। आज हम NCERT 6 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.1 को टच कर रहे हैं और इसी 2.1 से जुड़े हुए सवाल पे डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो होल नंबर होता है, होल नंबर वो क्या होता है, होल नंबर जो होता है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 1 से होती है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब होल नंबर में एक नंबर ज़्यादा होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है आपको 0। वो क्या होता है आपको 0। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है, तो फर्स्ट डिजिट ये है। अगर आपसे पूछे कि होल नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है, तो 0। अगर आपसे पूछे कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में है, यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इन होल नंबर। आपसे पूछे कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में है, नो, नहीं, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर 0 नहीं है इसमें, क्लियर। तो इस तरह से आपको इसके बारे में एक मैंने क्लास ले चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लें। नाउ नेक्स्ट आप जो है अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 के बाद 3 नेचुरल नंबर लिखिए। आफ्टर के बाद, इसके बाद लिखने के लिए जैसे 5 के बाद लिखे, तो 5 के बाद क्या लिखेंगे हम, 5 के बाद लिखेंगे 6, यानी 5 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6। उसके बाद एक और लिखना है, अगर 3 लिखना है तो इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 7। उसके बाद एक और लिखना है तो 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 8। तो हमारा 5 का 3 क्या हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा 6, 1 हो जाएगा 7, 1 हो जाएगा 8। तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग 1 ऐड करते हैं, यानी जस्ट काउंटिंग जब करते हैं तो उसके बाद वाले एक कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है अलग से ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपको ये है, कितना है, 10999, ये 3 है। अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे, जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 0 0 9 1 10 10 का 0, 1 गया इधर गया 3 0 1 1, और इसमें भी फिर ऐड कर देंगे 1, क्या मिलेगा, 10011, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा हमको 20011। तो हमारे 3 डिजिट्स मिल गए। कौन कौन डिजिट मिले, आपको 3 मिले, 1 आपको इसमें, 1, 2 और 3, यही हमें 3 पूछ रहा था कि नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर इसके बाद के, तो बाद के नाले के लिए हमें ऐड करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,099 आर, कौन कौन हुआ, 11,000, 11,001 एंड, लास्ट लिख रहे हैं ना तो एंड लिखेंगे 11,002, फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर कहता है राइट द 3 होल नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर, यानी ठीक पहले आता हो, जस्ट बिफोर 10,001, 10,001 से जस्ट बिफोर कौन आता है। जैसे मैंने आपसे पूछूं 11 से पहले कौन आता है, तो 11 में से 1 सब्सट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट क्या हो जाएगा 9, 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट क्या हो जाएगा 8। तो 11 से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर
क्या आता है 10, उससे जस्ट बिफोर 9, उससे जस्ट बिफोर 8। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए हम यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा था 10001। अब इसमें से हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ गया, सब्सट्रैक्ट करेंगे 0000 और 1, ये आ गया। अब इसमें से फिर 1 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, नहीं जाएगा कैरी 10 9, यहाँ 0, इधर से कैरी 10, एक दे चुके हैं 9, यहाँ 0, इधर से लेंगे 10 10, में एक दे चुके हैं 9, घटाना कुछ भी नहीं 9, यहाँ पे कितना बचा 0, इधर से लेंगे कैरी 10 10, में से एक दे चुका हूँ तो 9 9 में से 9, अब यहाँ तो ले ही चुका हूँ, अब तो कुछ बचा नहीं, ठीक, तो 9000 ये दूसरा मिल गया, ये हमारा पहला मिला, ये हमारा दूसरा मिला। अब हम तीसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 9 9 9, तो 3 हमको मिल गए, 3 हमारे कह रहे थे राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर दिस। तो लिखेंगे द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर दिस आर, कौन कौन है, एक है आपको 1000, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है 9999, और उसके बाद क्या है एंड क्या है आपको, आपको जो है ये है 9998। आगे बस इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, या यू कहें इसमें हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें 1 सब्सट्रैक्ट यहाँ, इससे 1 सब्सट्रैक्ट यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया क्लियर। तो ये हमारा दूसरा सवाल, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो अभी मैंने बताया था आपको कि सबसे कम होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या है 0। तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज कितना है 0, जेड ई आर ओ 0 हो गया। अब हम पढ़ेंगे हाउ मेनी होल नंबर्स, होल नंबर्स बिटवीन कितना 32 एंड 53, कहता है 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर हैं, जैसे है आपको 6 और 8 के बीच में कितने होल नंबर हैं, 6 और 8 के बीच में कितने होल नंबर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 8 में से 6 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 8 में से 6 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना बचा 2, और 2 आंसर में से फिर 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो बचा 1। देखिए इसके बीच में कौन सा होल नंबर था, तो इसके बीच में था 1 होल नंबर, दैट इज 7। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 नेचुरल नंबर के बीच में अगर होल नंबर निकालना हो तो बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और जो आता है आंसर उसमें से 1 और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वही हमारा कितना बताया 1 बताया, तो इसके बीच में 1 होल नंबर है। तो यहाँ पे हमें बताया कितना है 32 और 53, तो हम 53 और 32, तो 53 बिगर नंबर है, बिगर नंबर से हम स्मॉलर नंबर घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब हमें इसमें से 1 और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 20, यानी इसके बीच में 33 34 35 36 37, इस तरह से हम काउंटिंग करते करते कहाँ तक जाएंगे 52 तक, 53 नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें 32 और 53 के बीच में कहा है, बिटवीन बीच में कहा है, तो कितना गया आंसर 32। तो कैसे लिखेंगे, होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53 इज 20, इज 20 नंबर्स, इज होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53 इज 20, इसके और इसके बीच में कितना है 32 और 53 के बीच में 20 होल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सक्सेसर्स ऑफ, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल,
तो सक्सेसर्स निकालने के लिए यानी इसके ठीक बाद, और ठीक बाद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वन ऐड कर देते हैं। और वन जैसे ही हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वन ऐड करें तो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सक्सेसर ऑफ, द सक्सेसर ऑफ इतना इज कितना हो जाएगा, वन ऐड करके 244072। बाकी इसी प्रकार से आप निकाल लीजिएगा। आगे बात से क्या लिखा, द सक्सेसर ऑफ 244071 07110 नहीं लिख पाया मैंने, 012 इसमें वन ऐड करना है, वन इसमें ऐड करना है तो यहाँ पे टू आ जाएगा। आगे बस 244072 ये आ गया। इसी प्रकार से इसका भी निकाल सकते हैं, वन ऐड कर देंगे, इसका भी निकाल सकते हैं, वन ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करना पड़ता है सक्सेसर, सक्सेसर यानी आफ्टर नंबर। और यहाँ पे राइट द प्रेडिसर्स ऑफ 94, 1000, 10000 एंड दिस। तो इसका प्रेडिसर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें तो वन ऐड करते थे, ये आफ्टर नंबर और ये बिफोर नंबर, इसमें वन क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा कितना 93। तो इसका कैसे लिखेंगे, द प्रेडिसर्स ऑफ 94 इज 93। आगे समझिए, प्रीडिसर्स यानी घटाना, इसमें से भी वन घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10000 है, वन सब्सट्रैक्ट करेंगे 9999। तो इसे आप स्वयं बनाएंगे योर सेल्फ। स्टेट विच होल नंबर इज लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। पहले तो नंबर लाइन देख ले, ये हो गया, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे हैं यहाँ जो इसमो, अब 5 और 6 में हम कंपेयर करें कैसे, में यहाँ पे क्या कह रहा है कि 530 और 503 में करें, हम कर रहे हैं 5 और 6 में। तो बताइए 5 लेफ्ट साइड में कौन है, 5 और 6 में करेंगे तो कौन सा लेफ्ट साइड में है और कौन सा राइट साइड में है 5 और 6। तो 5 आपको क्या है, लेफ्ट साइड में है, यानी 5 स्मॉलर नंबर है तो वो लेफ्ट साइड में, और जो बिगर नंबर होता है वो राइट साइड में। जो स्मॉलर नंबर होता है, अगर हमें 4, 5 में हमें बताना हो तो 4 क्या होगा, 4 लेफ्ट साइड में और 5 राइट साइड में। यानी जिस दो नंबर के बारे में बताना है, जैसे इन दोनों के बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में पहले देखना पड़ेगा बिगर कौन है स्मॉलर कौन है। अब देखो ये भी 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है ना, 530 और ये 503। अब दोनों 3 डिजिट का है तो इसका थर्ड डिजिट ये और इसका ये इक्वल है, कोई फैसला नहीं हुआ, ये देखे 3 और ये देखे 0, ये बिगर हो गया और ये स्मॉलर हो गया, यानी ये संख्या क्या हो गया बिगर और ये संख्या क्या हो गया स्मॉलर। आगे बात सुनिए, तो यहाँ पर कौन हो गया बिगर, बिगर हो गया ये, और ये क्या हो गया स्मॉलर। तो बताइए हमने क्या पढ़ा है नंबर लाइन पे, स्मॉलर जो होता है वो पहले होता है और जो बिगर होता है वो बाद में होता है। पहले का मतलब लेफ्ट साइड, इधर जो चलेंगे तो लेफ्ट और इधर चलेंगे तो राइट, हमें कहाँ पूछा है, ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। तो ऐसे 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 करके चलेंगे, करते 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 कहाँ हो जाए, पहुँच जाएंगे 500, फिर हो जाएगा 501, फिर हो जाएगा 502, फिर हो जाएगा 503 और चलते चलते 504, काउंटिंग ही तो करना है, और चलते 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 कहाँ पहुँच जाएगा 530। तो बताइए 503 इस नंबर की बात हो रही है, किस किस नंबर की, 503 और 530। तो कौन सा है नंबर जो दूसरे नंबर के लेफ्ट में है, तो ये नंबर जो है ये लेफ्ट में है, ये नंबर जो है अदर नंबर के लेफ्ट में, देखिए लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर, दूसरे नंबर के लेफ्ट में है ना, तो ये क्या हो गया लेफ्ट में। तो कहता है स्टेट विच ऑफ द होल नंबर इज लेफ्ट ऑफ ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, इसके बारे में बता रहे थे पहला ए। एक आंसर क्या लिखेंगे, कौन स्मॉलर है 503 इज यहां से लिख देंगे इज ऑन द लेफ्ट ऑन इज ऑन द इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर, लेफ्ट LEFT लेफ्ट ऑफ
द अदर नंबर ऑन द नंबर नंबर लाइन, ठीक है ना। 503 क्या होगा, लेफ्ट होगा दूसरे संख्या, क्योंकि हमें 503 और 530 को कंपेयर किया यहां पे, तो 503। और दूसरा चीज क्या कह रहा है, आल्सो राइट देम, उसके बीच में कैसा चिन्ह होगा, यानी कि 500 आपको कितना दिया हुआ था, 30, और क्या दिया हुआ था, 500 30 30, पहले ये दिया था, फिर क्या दिया था, 503, यही दिया था ना। तो ये क्या है, ये बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है, बिग है स्मॉलर है। तो देखिए इधर दो निकला हुआ है, इधर एक, तो ये बिग हो गया, और इधर एक निकला हुआ है स्मॉलर। तो इस तरफ हम स्मॉलर लिखेंगे, इस तरफ हम बिग, तो ये बिग है ना, तो ऐसा लिखेंगे, कॉमा हट जाएगा, ये हमारा साइन हो गया। तो इसी तरह से आपको नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन आपको नहीं बताना है, ये तो मैं बता दिया ना, आपको ऐसे लिखना है, जो छोटा संख्या होगा वही लेफ्ट में होगा, जो बड़ी संख्या होगी वो राइट में होगी, हमें पूछा है कि लेफ्ट में कौन है, तो इस तरह से हमें बता दिया। ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, 99 इक्वल है, 88 इक्वल है, 4 बड़ा हो गया 3 छोटा हो गया, ये बिगर नंबर है, ये बिगर नंबर, ये स्मॉलर नंबर, ठीक है ना। तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो लेफ्ट में होगा, आगे समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 सवाल भी दिए हुए हैं, इसे आप जो है नोट डाउन, और ये सारे आप होमवर्क करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, फाइन, अच्छा लगा है तो आप मेरे शेयर को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और उसके बगल के बेल आइकन को दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन मिल सके कि मैं क्या क्या और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी बच्चों में शेयर करें, सभी बच्चे पढ़े और सभी बच्चे आगे बढ़े। थैंक यू वंस अगेन।